नमस्कार, मैं सुरक्षा उगत और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है रामपुर से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपने लेखे जोखे के साथ जनता के बीच जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में रामपुर में यात्रा का समापन किया गया। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के जनपद रामपुर स्थित राठौर मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूरे प्रदेश में घूमने वाली जन विश्वास यात्रा का समापन किया। इसके बाद उन्होंने तयशुदा कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री इस सभा में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। योगी के कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम एकत्रित हुआ था। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान भी चौराहे से लेकर सभा स्थल तक मुस्तैद रहे। मुख्यमंत्री ने यहां पर 95 करोड़ से अधिक 25 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। वहीं वे अपने विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। तस्वीर 2017 के पहले क्या थी, ये किसी से छुपी भी नहीं है। और फिर रामपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है। हमने एक जनपद एक उत्पाद की अपनी एक अभिनव योजना देश के अंदर चलाई। और जब इस योजना को हम चला रहे थे तो मैंने देखा रामपुर के लिए ढूंढे ढूंढे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में रामपुर का एक ही चीज मिला और मिला रामपुर का चाकू। लेकिन इस चाकू का उपयोग कैसे करना है तो मुझे गुरु परंपरा याद आई। अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा, लेकिन गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट और गरीबों की दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। और रामपुर की ये चाकू जो कभी रक्षा के काम आती थी, जिसके कारण इसका नाम रामपुर पड़ा था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलितों की जमीनों पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करने का माध्यम बन गया था। और इसीलिए जिसने जैसे किया उसको उसका फल भी दे दिया गया। और हम लोगों ने तो पहले ही दिन इस बात को कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। भैया बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने आज आपने भारी संख्या में यहां पर उपस्थित होकर के सरदार बलदेव सिंह ओनक जी का समर्थन किया है, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में मुझे यहां आना था तो
तो मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था, याद है ना। तो मैं तो उस समय यही सोच रहा था कि हो सकता है कि ओनक जी ने ही ना उतरने दिया हो। लेकिन बाद में जब मैं यहां से वापस बागपत पहुंचा तो इनका फोन आया कि मेरे यहां तो सभा होनी थी। मैंने कहा मैं तो सोच रहा था कि आप ही ने गलत कोऑर्डिनेट मुझे दे दिए थे, उसे जहां ढूंढ ही नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपका स्नेह हमें यहां पर लेके आ गया है और यहां पर आपने सरदार बल्लेभ सिंह ओलख जी के नेतृत्व में, श्रीमती राजबाला जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में इस जनविश्वास यात्रा का जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। अभी मैं कुछ देर पहले कर रहा था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं दे रहे थे तो मुफ्त कहां से होता, तो उल्टा जनता से तो वसूली करते थे, इसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं आती थी तो मुफ्त की बात कहां, यहां तो जनता से एक तरफा वसूली होती थी। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के हर एक गरीब की झोपड़ी में भी और राजमहल में रहने वाले व्यक्ति के घर में भी बिजली हर समय चलती हुई दिखाई देती है।